सो गाइज आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ज्यादा बढ़िया और धासू सा प्रोडक्ट जो आपको शायद पता लगा। टन 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 टन। तो गाइज ये है डिजिटल मल्टीमीटर। अगर आप एक इंजीनियरिंग की स्टूडेंट हो या आप कोई का आपका मतलब जैसे मान लें जवान घोटे वाला कुछ बिजनेस है तो आप उसको एकदम ग्रोथ कर सकते हो। और ये जो मल्टीमीटर है ये डिजिटल मल्टीमीटर है आज हम इसके अनबॉक्सिंग करने वाले। एक्चुअली मैंने इसको पहले अनबॉक्स कर दिया था बिकॉज तुमको पता है तुम्हारा भाई मुंबई में रहता है तो मुंबई में सब चीजें बहुत ज्यादा सस्ते में मिलती है। तो मैं भी आपको इसको दिलाऊंगा बहुत ज्यादा सस्ते में बहुत ज्यादा चीप प्राइस में। और आप भी इसको लेना चाहते हो आप डेफिनेटली इसको ले सकते हो। इससे बहुत ज्यादा कारनामे बन कर सकते हैं। सारी की सारी चीजें मैं आपको आगे दिखाऊंगा तो आप आगे देखते रहिए। इसको करते हैं अनबॉक्स। सो गाइस मेरा नाम है विष्णु मैन और आप देख रहे हैं टेक्निकल वीपीएन यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस ये जो है ना ये डिजिटल मल्टीमीटर तो इसके अनबॉक्सिंग हम आज करने वाले हैं। इसमें अपने को एक वायर वगैरह मिलने वाली है और ये कुछ मल्टीमीटर है डिजिटल वाला और इसके पीछे कुछ चीजें लिखी आपको नहीं दिखेगा तो अपन पूरा क्लोजअप में एकदम सही बढ़िया तरीके से आपको सारी चीजें दिखाएंगे। तो आई होप मेरे को लगता है आप इंजॉय करूंगे। एक्चुअली मैं बहुत सेक्सी लग रहा हूँ आफ्टर सो लॉन्ग टाइम हम आए हैं तो अभी हम मचाने वाले हैं। तो आप आगे देखते रहिए और एंजॉय कीजिए। सो यार गाइस ये है हमारा बहुत ही बढ़िया सा मल्टीमीटर और हमने इसकी आज करने वाले अनबॉक्सिंग। तो हमने अनबॉक्सिंग बहुत पहले कर दी थी आपको ये फटा हुआ था बिकॉज रीजन ये था कि मैं रहता हूँ गाइज मुंबई में और मुंबई में हमारे इधर एक बहुत बढ़िया एरिया का नाम है जिसका बोलते हैं लैमिंगटन मार्केट। अगर आप बोलोगे तो हम उसके ऊपर भी ब्लॉग बना देंगे जो कंप्यूटर मार्केट है पूरे मुंबई का तो विष्णु निर्माण चैनल पे आपको मिल जाएगा। सो गाइज मैंने लिया है वहां से डिजिटल मल्टीमीटर और आज हम करने वाले इसको अनबॉक्स। मैंने आपके लिए फिर से बॉक्स में डाल दिया लिटरली। तो इसका क्या क्या यूजर कैसे कर सकते हैं इसमें क्या क्या चीजें मिलेंगी मैं आपको पूरा आज डिटेल में बताने आ रहा था आप आगे देखते रहिए। तो हमने क्या किया इसको ऐसे उठाया और इधर से इसको निकाल लिया। टिन टिनिंग 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 ये है हमारा बहुत ही प्यारा सा गाइज मल्टीमीटर और इसमें बहुत सारी चीजें जो मेरे को पता नहीं लेकिन मैं रिसर्च करके आपको बताऊंगा ठीक है। इसके बाद हमें मिला यहाँ से कागद इसको बोलते हम कागद इसको बोलते हम पता नहीं इसको कुछ गाइडेंस वगैरह का लेटर बोलते लेकिन हम इतने पढ़े हुए नहीं तो इसके लिए हम इसको साइड में रखते हैं। इसके बाद निकलते हम ये जो वायर इस वायर को बोलते हम टोचन वायर इसको ऐसे इसके अंदर टोचन करते हैं और जिसके बाद हमको टोचन वाला आउटपुट मिलता है। और ये हमारे बॉक्स है इसके पीछे कुछ लिखा है जो मेरे को पढ़ना नहीं आता कुछ स्पेसिफिकेशन है काम की चीजें इसको हम फेंक दे रहे हैं। गाइज अभी हम इसको आपको दिखाने वाले हैं। तो गाइज ये जो मल्टीमीटर है ना इसमें आपको बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। इसमें एक्चुअली आप बहुत सारी चीजें चेक कर सकते लिटरली बहुत काम की चीज है। देखो इसमें ना अगर आपको बताया जाए ना गाइज ये है डीसी वोल्टेज के लिए ये है एसी के लिए और बाकी का मेरे को पता नहीं है एम्पियर वगैरह की है कोई वायर वगैरह भी उसमें फॉल्ट वगैरह उसके चेक करने के लिए। इसमें आपको दो चीजें मिलती है ठीक है। तो ये दो चीजें मिलती है दो चीजों को आप कैसे यूज कर सकते हो देखो मैं दिखाता हूँ मेरे को नहीं पता लेकिन मैं आपको रिसर्च करके बताऊंगा ठीक है। तो ये जो है ना इनको बोलते हैं निगेटिव इसको बोलते हैं पॉजिटिव। तो ये जो निगेटिव वाला देखो गाइज यहाँ पे आपको एक चीज दिखेगा यहाँ पे आपको कॉम करके लिखा आएगा देखो कॉम। तो कॉम जो है ना ये कॉम में आपको लगाना है माइनस वाले को और उसके बाद आपको वोल्टेज का यहाँ पे दिखेगा उसके नीचे वाला इसमें आपको लगाना है पॉजिटिव वाले को ठीक है। आपने इसको लगा लिया इसके बाद अभी अपने ऑफ के इसको अपन जैसे घुमाएंगे तो ये चालू हो जाएगा ठीक है। चालू होने के बाद अभी अपन इसमें बहुत सारी चीजें चेक कर सकते हैं। अगर गाइस जैसे मान लिए कोई चीज मतलब अपने को कोई चीज चेक करनी है और जिसकी अपने को चेक करने के चालू है कि बंद है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम वगैरह है तो वो सब चीज अपन इससे चेक कर सकते हैं। बाय द वे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू गाइस दिखाना चाहता हूँ और एग्जांपल के लिए मैं लेके आया ये वायर है ठीक है। तो ये वायर चालू है इसके लिए अपन कैसे करेंगे तो अपन ने इसको सेट कर दिया सीधा इसके ऊपर। देखो यहाँ पे आपको जो सिंबल दिखाना है इसके ऊपर अपन ने सेट किया और इसके बाद अपने को कनेक्ट करके देख लेना है सिर्फ अपने को इसमें से किसी भी एक पॉइंट को रेड से कनेक्ट करना है और एक पॉइंट को अपने को इसी वाले को ब्लैक को भी रेड से कनेक्ट करना है। अभी देखो कुछ आवाज आ रहा है आपको इसमें कुछ हलचल हो रही है देखो गाइस। तो एक्चुअल में जो वायर्स वगैरह में कुछ दिक्कत वगैरह होती है उसको भी आप इससे चेक कर सकते हो। इस साइड अगर चेक करके डीसी के वोल्टेज चेक कर सकते हो एसी के वोल्टेज चेक कर सकते हो। बहुत काम की चीज़ है डिजिटल मल्टीमीटर। आई होप मेरे को लगता है गाइस आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में हमें जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।
सो यार गाइस आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको कोई डाउट या प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में हमें जरूर बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक के बटन को फोड़ दीजिए, कुछ भी कर दीजिए। अगर आप चैनल में पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कीजिए जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ऐसे ही आगे देखते रहिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय, जय हिंद।